नमस्कार साथियों, 5-7 मिनट देरी, 19 मिनट देरी से हैं, क्षमा चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम प्रदेश अध्यक्ष साहब को इस लाइव में अपन जोड़ पाएँ। तो आज का जो विषय है वो ये है कि आज एक गवर्नमेंट ने कल की डेट में 28 की जो डेट है उसमें एक सर्कुलर जारी किया है सरकार ने, और उस सर्कुलर के हिसाब से जो है 25% धन NSDL से, और 25% क्या है अगर आपको आवाज़ साफ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख दीजिए, अन्यथा मैं कूलर बंद कर देता हूँ। आवाज़ में अगर कोई इश्यू है आपको बताना पड़ेगा, और वीडियो भी शेयर करने पड़ेंगे, ज़रूरी है। तो जो 25% धन है वो भी अपन समझेंगे, 25% जो है वो कर्मचारी के हिस्से का धन है, टोटल जो हमारा कॉर्प्स है जो टोटल धनराशि है वो नहीं है, उसमें एम्प्लॉई के हिस्से का 25%, यानी टोटल का 12.5%, हम इसको समझें। और टोटल का 12.5% है तो एक्चुअली वो 10% ही है। 10% इसलिए है क्योंकि मान लीजिए 4 रुपया आपने जमा कराए अब तक सर्विस ज्वाइन करने के बाद एनपीएस में, और 4 रुपया सरकार ने अंशदान देना ही है, वो 8 रुपया हुआ, और उस पर शकुंतला जी नमस्कार, उस पर बाजार से रिटर्न मिला 2 रुपये, तो उन टोटल 10 रुपये में जो NSDL के और PFRD के रूल हैं हम केवल 1 रुपया निकाल सकते हैं। 12.5% तो टोटल का हुआ, हमारा हुआ 25%, प्रैक्टिकली वो होता है 10 रुपये में से 1 रुपया निकालना, तो ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। इसके बारे में आज का मैं स्क्रीन शेयर करके कोशिश करता हूँ, इसमें स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रहा है, कि जो है एक सर्कुलर आया है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, वो है जिस पे हंगामा हुआ है और अभी वायरल हुआ है, 28 अगस्त 2022 का। इस सर्कुलर को निकाला है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, हालांकि अपना जो डिपार्टमेंट है SIPF उसकी तरफ से भी दबे शब्दों में कोई चिट्ठी आई थी, और वो चिट्ठी ये कह रही थी कि भाई NSDL की वेबसाइट पे आपको अपडेट नहीं करेंगे, मतलब आपका बैंक अकाउंट वगैरह अपडेट नहीं करेंगे। तो जिन लोगों का बैंक अकाउंट अपडेट था, यानी SBI हो गया था SBBJ, तो मैक्सिमम लोगों का SBBJ सैलरी अकाउंट होता है, SBI हो गया था, वो अब अपडेट कर लिया, कुछ लोगों ने पैसे निकाल लिए, मैंने भी निकाले हैं, मेरे परिवार में भी निकाले हैं। और दूसरा जो मामला है कि अब सरकार टेक्निकली उसको रोक नहीं सकती, सरकार जो कह रही है इस परिपत्र के माध्यम से, आज का जो फाइनेंस का परिपत्र है, खुले खुले रूप से कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, आप पैसा मत निकालिए, क्योंकि राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू हो गई है। इसके तकनीकी पहलू क्या हैं, उन तकनीकी पहलुओं पर आए उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि साथियों में सही बात ऑथेंटिक संगठन की तरफ से ऑथेंटिक न्यूज पहुंचे। आप शेयर करते रहिए, मैं अपनी जानकारी को दुरुस्त करते हुए आपसे संवाद कर रहा हूं। तो 28 अगस्त 2022 का परिपत्र ये कहता है रूल्स डिवीजन फाइनेंस से कि दिनांक 1/4 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS लागू करने के निर्णय को दृष्टिगत रख, इन्हें टाइपिंग मिस्टेक है इनके यहाँ, राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 निरस्त होने के उपरांत भी NPS के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में। उन्होंने संदर्भ दिए हैं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 12/3, वित्त नियम 2022 और ये 19/5/22 की अधिसूचनाएं हैं। 19/5/22 की अधिसूचनाएं जो हैं ये वही हैं जिनसे अपने को OPS मिली थी और NPS को रिपील किया था। ये दो, हालांकि उस दिन 7 ऑर्डर निकले थे, लेकिन 6 ऑर्डर जो है अपने डायरेक्टली काम के थे, RGHS वगैरह वो सारा करके, लेकिन इसमें इन्होंने मेनली जो दो बताई हैं इन्होंने, और 19 मई की बात ये कर रहे हैं, तो ये सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट रखे हैं 19 मई के, तो 19 मई के जो इन्होंने जो सर्कुलर जारी किया है 12/3 और 12/2, एक ये है और एक इसके नीचे वाला है,
ये सारे सर्कुलर पड़े हैं, यानी कि ये कह रहे हैं जो रेफरेंस दिया है इन्होंने कि भाई हमने ओपीएस लागू कर दी इन इन सर्कुलरों से, अब आप पैसा क्यों निकाल रहे हो। फिर आगे इनके द्वारा कहा जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 1/4 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने तथा राजस्थान सिविल सेवा नियम RCS NPS रूल 2005 रिपील करने निर्सित किए जाने की अधिसूचना जारी हो गई है। फिर भी ध्यान में आ रहा है कि कर्मचारी NPS के अंतर्गत पैसा निकाल रहे हैं, ये एक गंभीर विषय है। ये गंभीर क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे, इनकी नज़रों में गंभीर क्यों है। इस संबंध में निर्देश जारी किए जाते हैं कि 1/4 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी अधिसूचना 19/5/22 यानी जिस दिन वो ऑर्डर अपने आए थे लागू होने के बाद भी पैसा निकाल रहे हैं तो यह माना जाएगा कि वो NPS में रहना चाहते हैं, राज्य सरकार के निर्णय के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते। ये भाषा ठीक नहीं है, ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ पे। ये टेक्निकल चीज़ है, उस पर अपन डिटेल में बात करेंगे। फिर लास्ट में ये कह रहे हैं कि 1/4 उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत, यहाँ पर इस परिपत्र का मतलब ये है 28 अगस्त 2022 वाला जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो कल की डेट में निकला है, इस परिपत्र के जारी होने के बाद यदि कोई आवेदन किया जाता है NPS के अंतर्गत आहरण, तो इसे गंभीरता से लेके राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और राज्य बीमा विभाग उस कारण विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई प्रस्तावित करेगा। टेक्निकली करें तो RSR के रूल्स के हिसाब से ये कोई कार्रवाई कर नहीं सकते हैं, इन्होंने कहा है, लेकिन ये कार्रवाई कर नहीं सकते हैं रूल्स के हिसाब से। हाँ, एक कार्रवाई ये कर सकते हैं कि जो पैसा निकाल रहे हैं उनको ये स्वयं ही मान लें कि भाई इसको NPS में डाल दो, इसको OPS में डाल दो, जो पैसा नहीं निकाल रहे भविष्य में, मतलब कल के बाद से, यानी आज के बाद से जो पैसा निकालेंगे उनको NPS में मान लो, ये वो कर सकते हैं, लेकिन वो कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते जो RSR के रूल्स में आती है। कुल मिला के ये सर्कुलर ये कहना चाहता है कि आप पैसे मत निकालिए। इनका जो पूरा जोर है वो इस बात पे है कि एम्प्लॉय पैसा नहीं निकाले। अब पैसा क्यों नहीं निकाले, ये सर्कुलर टेक्निकली गलत है, इमोशनली ठीक है इनके पास, क्योंकि ठीक है हमारे ऊपर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम लागू हो गए, लेकिन आज भी वो पैसा वहाँ पड़ा हुआ है, तो 50-50 का मैच है, तो एज पर रूल तो हम निकाल सकते हैं। इनका जो सर्कुलर है वो प्रभावी नहीं, रोक नहीं पाएगा पैसा निकालने से, लेकिन एक सरकार हमसे कुछ मदद चाहती है तो उन्होंने, क्योंकि जिनका बैंक डिटेल अपडेट, एक तो उन्होंने बैंक डिटेल अपडेट करने से रोक दिया है, वो पावर किसके पास है, वो SIPF डिपार्टमेंट के पास है बैंक डिटेल अपडेट करने की, उनके पास नहीं, NSDL के पास, तो इस तरीके से रोका उन्होंने, पहले एक सर्कुलर आया था, है ना। और दूसरा क्या है कि पैसा NSDL में पड़ा है तो वो पैसा हमारा है, उस पर दावेदारी राज्य सरकार कर रही है जो लीगली सही है। तो इस सर्कुलर के मायने क्या हैं, इस सर्कुलर के दो पॉजिटिव अपन मायने मान सकते हैं कि पहला कि इसमें एक बात और जुड़ी हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन और राजस्थान ने पेंशन नहीं दिलाई है, ये अपने आप ही CM साहब ने दी है या दूसरे कर्मचारी संगठनों के कहने से दी है। मैं इस सर्कुलर के हवाले पे ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये सर्कुलर खुद ये साबित कर रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ने ही पुरानी पेंशन राजस्थान में दिलाई है। क्यों दिलाई है, क्योंकि आपके संगठन ने ही पूरे देश में किसी भी राज्य से पहले, हमने कैलकुलेशन दी थी राजस्थान सरकार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब कोरोना काल में सैलरी काटने की बात थी एम्प्लॉयज़ की कोरोना में मदद के लिए राज्य सरकार की, तब हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन विशाल चौधरी जी ने कहा था कि माननीय ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप OPS बहाल कर देते हैं तो आपको 6,000 करोड़ रुपये सालाना मिलेगा। पिछले वित्त वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष का बजट 910 करोड़ था, यदि आप OPS लागू कर देते हो 2 महीने में आपको 1,000 करोड़ रुपये लगभग मिलेंगे। ये कैलकुलेशन हमने दी, माननीय ने इसको माना, सरकार ने उसको कैलकुलेट कराया और मेरे हिसाब से आज की तारीख में ये कैलकुलेशन 10,000 करोड़ रुपये बैठती है। अब सवाल है, हम चीज़ों को पॉजिटिव लें कि राजस्थान के 5,68,545 एक्स NPS कार्मिक, यानी आज OPS वाले कार्मिक हो गए, वो पहले NPS में थे, 5,68,545 कार्मिकों का जो फंड है वो 39,000 करोड़ रुपए है,
और उस पर जो मार्केट रिटर्न है उसको मिला के अपन देखें, यानी मार्च 31 मार्च का अगर डाटा है ये, तो वो बैठता है उस पर मार्केट रिटर्न मिला के, उसको ब्याज नहीं कह सकते, मार्केट रिटर्न है, वो प्लस भी होता है माइनस भी होता आया है, तो वो फिगर बैठता है 40,812.15 हजार करोड़ रुपए, यानी लगभग 41 हजार करोड़ रुपए। एक्चुअल फिगर है 40,812.15 हजार करोड़ रुपए, यानी लगभग 41 हजार करोड़ रुपए। अब ये 41 हजार करोड़ रुपए, 41 हजार करोड़ रुपए रोजाना नहीं रहता, 31 मार्च को इसकी वैल्यू जो थी रिटर्न के समय ये लगभग 41 हजार करोड़ रुपए थी, और आने वाले समय में मार्केट ऊपर ग्रो होता है तो ये राशि ऊपर जाएगी, और मार्केट डाउन होता है तो ये राशि रोजाना नीचे जाएगी, पर डे ये राशि ऊपर नीचे होती है। तो ये तो तय कर दिया है सर्कुलर ने कि हमने कैलकुलेशन दी थी, और राजस्थान में पुरानी पेंशन के लागू होने के बाद न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ने केरल सेंटर केंद्र के कार्मिकों के लिए, केरल के लिए हमने 2500 करोड़ रुपए रेवेन्यू की कैलकुलेशन की थी, केंद्र के लिए हमने लगभग 60-70 हजार करोड़ रुपए की कैलकुलेशन की है, हिमाचल के साथियों को हमने कैलकुलेशन दी है 2200 करोड़ रुपए पर ईयर की। उनको कहा है कि आप ये कैलकुलेशन समझाओ तो आपकी सरकारों को, राज्य सरकारों को समझ में आएगी। अगर वहां पर बीजेपी नहीं है, क्योंकि वो इस मामले में बिल्कुल अलग है, उनका कोई स्टैंड नहीं है अभी, वो एनपीएस के पक्ष में ओपीएस के खिलाफ है, तो दूसरी जो पार्टियां हैं वो आपकी इस कैलकुलेशन को समझ के आपको पुरानी पेंशन दे सकते हैं, जैसा कि राजस्थान में दी। तो मुख्य बात ये है कि राजस्थान अब ये जो सर्कुलर निकाल रहे हैं, इसका एक पॉजिटिव अर्थ मुझे ये भी लगता है कि राज्य सरकार को इस बात की उम्मीद है कि ये पैसा उनको जल्दी से मिलने वाला है। ये 40 हजार करोड़ रुपये, 40,518.15 या जो भी है, ये जो मैं एक्चुअल फिगर ही बता देता हूँ आपको, 30 जून का जो फिगर है, सॉरी 31 मार्च 2022 का, 5,68,545 कर्मचारियों का 40,812.15 हजार करोड़ रुपए, इसको अपन रफ भाषा में 41 हजार करोड़ रुपए कहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को ये लग रहा है कि 41 हजार करोड़ रुपए जल्दी से आने वाले हैं। यदि एम्प्लॉय अपना इसमें से धन निकाल लेगा, जो उसका 25% है उसके हिस्से का, टोटल का वो 10-12.5% बैठता है, और प्रैक्टिकली वो 10% बैठता है, तो 41 हजार करोड़ रुपए का यदि 10% भी अपन निकालते हैं तो आप देख लीजिए, ये काफ़ी बड़ा फिगर है। अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 41 हजार का 10% निकाल लेते हैं अपन, ये बैठता है आपका 4,100 करोड़ रुपये, लगभग 4,500 करोड़ मान लो, 5,000 करोड़ रुपया। तो ये 5,000 करोड़ रुपए के लालच में सरकार ये चाहती है, लालच भी नहीं है उनको, जरूरत भी है, लालच शब्द को मैं वापस ले रहा हूँ, 5,000 करोड़ रुपए की सरकार को मदद होगी अगर एनपीएस एम्प्लॉय पैसा नहीं निकालते हैं तो इसलिए सरकार इसको रोकना चाह रही है, लीगली वो रोक नहीं सकती है, तो थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि हम कार्यवाही करेंगे, ये माना जाएगा, अब स्टैंड अपने को लेना है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, कल की 28 तारीख को जो पैसा ये सर्कुलर आया है वित्त विभाग रूल्स डिवीजन का, उससे पहले जिन्होंने निकाल लिया उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन की इन्होंने बात नहीं कही है, मतलब कल के बाद यानी आज के बाद जो पैसा अगर निकालेगा तो उसके लिए लीगल एक्शन की बात ये कर रहे हैं। तो 5,000 करोड़, 41 हजार करोड़ में से 5,000 करोड़ रुपये उनको लग रहा है, 4,100 करोड़ या 4,500, 5,000 करोड़ रुपये मोटा मोटा लग रहा है कि ये उनको मदद करेगा, तो इसमें उनको ये लग रहा है कि उनको मदद मिलेगी। ये आज जीएसटी के टाइम में, जब न केवल राजस्थान सरकार हो या कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की भी सरकार किसी स्टेट में है, तो जीएसटी का पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा है, सरकारों के पास रिसोर्स क्रंच है, बट आप शेयर करते रहिए ना, बात सुनते रहो, शेयर करते रहो, तो लोगों को लगता है कि थोड़ी सी जो है कमी है फाइनेंस की उसकी, तो उनको पैसे से मदद मिलेगी। मैं कुछ लोगों को ग्रुप में जोड़ देता हूँ जो जो जुड़ना चाह रहे हैं, अभी 400-500 रिक्वेस्ट आई हैं ग्रुप में जुड़ने के लिए, उनको आप सुन पा रहे हैं, अप्रूव कर दिया है मैंने लगभग सभी को, शेयर भी कीजिए, तो ये उनको मदद मिलेगी। तो लीगली तो ये ऑर्डर गलत है, क्योंकि भले ही हमारे ऊपर ओपीएस लागू हो गई, लेकिन तकनीकी रूप से पैसा हमारा वहां फंसा है, तो वहां से भी गवर्न है, तो पैसा तो ले सकते हैं। अब एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव ये लग रहा है कि सरकार को उम्मीद है कि ये पैसा मिल जाएगा जल्दी, और पूरा वो इस उम्मीद में है, लेकिन मुझे और मेरे संगठन को, जिसका नाम न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन राजस्थान है, उनको ये महसूस हो रहा है कि ये पैसा केंद्र सरकार या हमारे माननीय खूबसूरत प्रधानमंत्री मोदी जी
वो उसको इतनी आसानी से हमारे को नहीं देंगे। और इतना ही 17,700 करोड़ रुपया उनका छत्तीसगढ़ वालों का जमा है। ये बात भी मैं कह देना चाहता हूँ कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है। जहाँ तक झारखंड की बात है, वहाँ कमेटी पे कमेटी बन रही है, फोटो खिंच गए हैं, लोगों ने बधाई दे दी है, लेकिन ओल्ड पेंशन लागू करने के बारे में अभी वहाँ टाल मटोल चल रही है। तो अब आपके सामने ये विकल्प है कि अब आप कर्मचारी को क्या करना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण से अगर राजस्थान सरकार ये कह रही है कि साहब इस पैसे को मत निकालो, वो करें कार्यवाही करेंगे, उस शब्द को हटा देते हैं, तो हमें ये पैसा नहीं निकालना चाहिए। ये मेरा और मेरे संगठन का, शायद मैं अध्यक्ष साहब को जोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि पहले स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा था, अगर ये मोबाइल से वीडियो लाइव होता है तो वो जुड़ जाते हैं, तो मैं उनको भी जोड़ लेता हूँ, अध्यक्ष साहब को मैं व्हाट्सएप से जोड़ के, और उनका वो सुन रहे होंगे मुझे कहीं ना कहीं, तो मैं स्क्रीन पे ले लूँगा उनको जैसे ही वो आ जाएंगे। तो ये जो एक अच्छी चीज़ है, अब सरकार हमसे मदद चाहती है, सरकार हमसे मदद चाहती है कि हम उनको मदद करें। हालांकि भाषा में थोड़ी तल्खियां हैं, कोई बात नहीं, सरकार ने इतना बड़ा काम किया है तो हमारे ऊपर ये निर्णय है, और अब तो ऑर्डर भी थोड़ा वैसा आ गया है टाइट वाला, तो मैं समझता हूँ कि अभी अपन सरकार को मदद करें तो ये पैसा न निकालें, क्योंकि जिनका डाटा अपडेट है, जिनका बैंक डिटेल अपडेट है, वो चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार सिर्फ बैंक डिटेल अपडेट कर सकती है, निकालने से नहीं रोक सकती, क्योंकि अपन तो डायरेक्ट एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके, एनएसडीएल सीआरए पे जाके विड्रॉ करते हैं और वो पैसा आ जाता है 3 या 4 दिन में। तो मानवीय दृष्टिकोण से अगर अपन पैसे को नहीं निकालें तो ठीक रहेगा, ये हमारी एम्प्लॉय से अपील है। जिसका निकल चुका है उसको वापस जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहीं भी कोई उसमें ऑप्शन नहीं है कि जो करण सैनी जी कह रहे हैं 4,100 करोड़ को 5,000 करोड़ बोल रहे हो, बड़े अजीब आदमी हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर ये पैसा बढ़ेगा, जब तक निकलेगा ना, जब तक ये पैसा निकलेगा, आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान के सीएम ने सहज ओपीएस दी है, यहाँ कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा था, आप अपना नाम लेकर क्रेडिट मत लो। मैं तो अपने नाम से क्रेडिट तो नहीं ले रहा, लेकिन संगठन के नाम से क्रेडिट ले रहा हूँ। माननीय ये जो है न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ने ही कैलकुलेशन दी थी कि आपको 6,000 करोड़ रुपए मिलेगा, जो बाद में जाके है ना कैलकुलेशन जो है बैठ के पहुंच गई थी 10,000 करोड़ तक। तो आपको बुरा लग रहा है तो आप शांत रहिए, है ना, क्रेडिट तो एनपीएससीएफआर ही लेगी इसको। कहाँ है वो आदमी, कौन गया है? मैं गया हूँ सीएम हाउस अभी, ये जो 10% निकासी है उस पर जो रोक लगाई थी अघोषित रूप से, उसके बारे में डिस्कस करने मैं गया था मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री कार्यालय, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, मैं किसी दूसरे काम में उलझा हुआ था, इसीलिए जो है हमने जो है वो वापस आने के लिए टाइम मांगा है उनसे, और हम दोबारा जाएंगे तो हम सरकार को अभी ये कहने वाले हैं कि साहब इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर आपको उचित लगे ये आपको तो मैं सस्पेंड भी कर देता हूँ 28 दिन के लिए, ज़रूरत ही नहीं आपसे बात करने की। ठीक है करण सैनी जी, धन्यवाद। और तो ये हम जा रहे हैं वहाँ, उनसे टाइम हम लेके उनको बोलेंगे कि साहब ये जो है 4,100 करोड़, जिसको हम मोटा मोटा 5,000 करोड़ रुपए बोल रहे हैं, और मैं साथियों आपको बता दूं, जिन्होंने पैसे निकाल लिए उनका कुछ नहीं होगा, मतलब 28 तारीख से पहले निकाल लिए उनका कुछ भी नहीं होगा, उसमें घबराने की बात नहीं है, वो पहले अफवाह चली वापस जमा कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। परिपत्र ये कह रहा है कि आज की तारीख से जो है परिपत्र जो है उसके बाद निकालेंगे तो उन पे अपन वो कुछ लीगल एक्शन लेंगे। हम सरकार से कह देंगे कोई लीगल एक्शन नहीं लेना है, आजकल सरकार हमारी बात को पहले भी सुनती थी और आज भी हमारे संगठन की बात को सुनती है, और जो नहीं निकाल पाए उनका नुकसान नहीं हूँ, नुकसान हो गया, ये एक सवाल आया है, नीचे से ऊपर तक सवाल लूंगा, ऐसा कोई खास नुकसान हुआ नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपये में से आप 1 रुपया निकाल रहे हो, लगभग 50,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक की राशि निकाल पा रहे हैं, और वो कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। दो चीज़ और कंसर्न है हमारे सरकार के सामने, जिनके बारे में हमारा ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन राजस्थान एक नया महासंघ बनाया है आपकी टीम ने, और एनपीएससीएफआर, दोनों के कुछ कंसर्न हैं। हम सरकार से ये भी कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं, वो जो पर्टिकुलर डेट पे जो सरकार ने रूल बनाए हैं कि भाई 19/5/22 को जो सर्कुलर ऑर्डर जारी करके,
उनके हिसाब से जो पैसा NSDL से आएगा वो पूरा पैसा वो रेवेन्यू में ले रहे हैं, मतलब सरकार की इनकम मद में ले रहे हैं। उसमें हम ये कहना चाहते हैं ये पैसा जो NSDL से आएगा 41,000 करोड़ रुपए लगभग, और मैं उसको 50,000 करोड़ रुपए से 5,000 करोड़ रुपए 10% इसलिए बोल रहा था कि मुझे लग रहा है कि जब तक पैसा आएगा ये राशि बढ़ के 50,000 करोड़ रुपए हो जाएगी मार्केट रिटर्न के हिसाब से। भले ही इसमें जमा नहीं कर रहे अपन, वो तो फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर नीचे 2-4-5-10% तो बढ़ेगा, और लगभग जब तक ये पैसा आएगा तब तक ये 50,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, और उसका 10% जो अपन मान रहे हैं इसीलिए 5,000 करोड़ रुपए हमने उसको कहा है मोटी कैलकुलेशन के लिए। बाकी एक्चुअल फिगर वो भाई नाराज हो गया, आप वाई वाई ले रहे हो, इस भाई को पता ही नहीं है एक्चुअल फिगर। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन राजस्थान के अलावा किसी भी संगठन को एक्चुअल फिगर नहीं पता है कि 5,68,545 कर्मचारी हैं NPS में। ना तो 42 बोल रहे हैं हम, ना 44 बोल रहे हैं, और एक्चुअल फिगर 40,812.15 हजार करोड़ रुपया है। ये फेडरेशन ने RTI लगाई है तब फिगर लेके आए हैं, आपको पता नहीं है माननीय कुछ भी, तो आप वैसे ही फाय फूं करते रहते हो यहाँ। ठीक है, तो अपन अपनी बात पे आते हैं। नुकसान नहीं हुआ क्योंकि 10 रुपये में से 1 रुपया निकाल रहे हैं, तो क्या तो नुकसान है क्या फ़ायदा है उसका, कोई ऐसा दिखे। सरकार जो उस पैसे को रेवेन्यू में ले रही है, अपने हिस्से के पैसे को जो रेवेन्यू में ले रही, हमारा ये निवेदन था, अभी करेंगे हम फ्यूचर में, हमने ड्राफ्ट तैयार किया, डॉक्यूमेंट तैयार किए, रिसर्च करके पूरा मसाला बना के उनको देंगे, जैसे पहले हमने पूरी रिसर्च दी थी। और साथियों को मालूम होना चाहिए आरती डोगरा जी IAS हैं, स्पेशल सेक्रेटरी टू CM है, उनसे पूछना, उन्होंने हमारे से बात हुई हमारे फेडरेशन के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की वजह से संभव हुआ राजस्थान में पुरानी पेंशन, ना तो कोई कमेटी बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप लोग पूरा रिसर्च करके कागज़ों का पुलिंदा लेके आए। तो सरकार के आला अधिकारियों ने माना है हमारी मेहनत को, सरकार सुन रही थी कि भाई ये पेंशन मुद्दा है, लेकिन पूरा उसका A to Z पूरा निचोड़ फेडरेशन की टीम लेके गई थी, और उसी वजह से पुरानी पेंशन बहाल हुई है। अब ठीक है, CM साहब बड़े आदमी है, वो कह रहे हैं कि मानवीय दृष्टिकोण से फैसला लिया है, वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें 10,000 करोड़ रुपए का मेन रोल था, जो रेवेन्यू लगभग 10,000 करोड़ रुपए मिल रहा है उनको, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, हमने खूब अच्छी कैलकुलेशन किया, उस समय 6,000 करोड़ की थी, वो बढ़ के लगभग 10,000 करोड़ रुपये पर ईयर है, आने वाले 10 साल में वो 1.5 लाख करोड़ रुपये होगी। अभी कोई मेरा साथी कह सकता है कि 10 साल में 10,000 करोड़ से तो 1 लाख करोड़ होते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपये कैसे कह रहे हो आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कटौती की दर बढ़ती, आपका DA बढ़ता, HRA बढ़ता, आपका जुलाई का इंक्रीमेंट लगता, आपका प्रमोशन होती, तो 10 साल में वो राशि 10,000 करोड़ रुपए से 10 साल में 1 लाख करोड़ नहीं 1.5 लाख करोड़ बैठती है। डाटा के मामले में हम एकदम फैक्चुअल रिपोर्ट करते हैं, एकदम फैक्चुअल, कोई भी कभी भी चैलेंज कर सकता है। तो अब मैं उस मुद्दे पे आता हूँ, रेवेन्यू वाले मुद्दे पे। तो जो ये साथी कह रहे थे कि रेवेन्यू सरकार का जो ऑर्डर है, सरकार का ऑर्डर ये है कि जो NSDL में पैसा पड़ा है वो रेवेन्यू मद में लेगी, किसका, कर्मचारी का हिस्सा और एम्प्लॉय का हिस्सा, दोनों रेवेन्यू मद में आएगा, और रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय का हिस्सा वापस दे दिया जाएगा, रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय का हिस्सा वापस दे दिया जाएगा। उसमें हमारी सरकार से अपील है, हम लिखित डॉक्यूमेंट के थ्रू जाएंगे कि कर्मचारी का जो पैसा है जो NSDL से आएगा वापस, सरकार उसमें ब्याज अपने पास रख ले, ब्याज बोले तो मार्केट रिटर्न अपने पास रख ले, सरकार अपना अंशदान अपने पास रख ले, और ये जो रिटर्न है मार्केट रिटर्न, इसको 10% सॉरी इसको GPF की रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके हमको देंगे ये लोग, जो इनके ऑर्डरों में लिखा है रिटायरमेंट के समय। हम ये सरकार से निवेदन करने जा रहे हैं कि माननीय कैलकुलेशन में गलती नहीं हो जाए, रिटायरमेंट तक तो पता नहीं कौन कौन सी सरकारें आएंगी, हिसाब किताब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, आप हमारे हिस्से के पैसे को जो आप रिटायरमेंट में देना चाह रहे हो आप हमारे GPF अकाउंट में डाल दीजिए, जिसका नाम वर्तमान में हमारे लिए GPF 2004 है, शासकीय कर्मचारियों के लिए, राज्य कर्मचारियों, जो अर्ध राज्य कर्मचारी हैं अर्ध शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए है GPF SAB। तो इस पैसे को आप GPF 2004 में GPF SAB, और ये जो अर्ध शासकीय कर्मचारी हैं इनकी संख्या लगभग 41,000 लोग हैं, वो कह रहा था ना बंदा आपका आंकड़ा ऐसे ऐसे कैसे बोल रहे हो, उनको पता नहीं है, मुझे पता है कि NPS में राजस्थान में 41,000 के लगभग जो है बोर्ड निगम ऑटोनोमस बॉडीज इत्यादि के लोग हैं, ये किसी के पास डाटा नहीं है, हमारे पास डाटा है, हमने 5 साल में डाटा ही इकट्ठा करके और डाटा के हिसाब से ही जो है हमने ये किया। वो बात सही कह रहे थे कि बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, हर जिले पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आप नहीं आए माननीय वो अलग बात है, आप जैसे
5 लाख लोग नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन आंदोलन बहुत बड़ा हुआ, हमारा संघर्ष भी बहुत बड़ा था। हाँ, लाखों की संख्या में जयपुर में लोग नहीं आए, और हमारा संवाद भी बड़ा था। आप जो वीडियो फुटेज देखते हो दूसरे राज्यों के, कि आपको जो लाखों की संख्या लगती है, वहाँ किसी राज्य के अंदर लाखों की संख्या निकल के नहीं आ रही। हम खुद गए हैं कई राज्यों में, हमने आंखों से आदमी कैलकुलेट किए हैं, तो वो हजारों में ही संख्या रहती है। चाहे आप अभी 1 सितंबर को तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में कुछ होने जा रहा है, वहाँ भी 1 लाख कर्मचारी निकल के नहीं आ रहा है। आप अगर उनकी वीडियो फुटेज का एक एक आदमी कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, पूरे देश में हजारों की संख्या में लोग आए, राजस्थान में भी हजारों की संख्या में लोग आए। तो मैं मूल बात पे आता हूँ, वो पैसा हमारा आप GPF अकाउंट में डाल दीजिए, ताकि हमारे का पता रहे कि हमारा कितना कटा है, हम भी कैलकुलेट कर लें, उतना हमारा GPF में है। भले ही राज्य सरकार चाहे तो उसका लॉक इन पीरियड रिटायरमेंट तक रख दे, कि रिटायरमेंट तक उतने पैसे को हम निकालेंगे नहीं, वो आप नियम बना दो। उसमें हम और हमारे संगठन या हमारे साथी, मैं समझता हूँ सारे कर्मचारी राजी होंगे, ताकि हमें वो एक्चुअल वैल्यू उसकी दिखती रहे। अब रिटायरमेंट पे आप दोगे तो वो फिगर कैसे अपन फिगर आउट कर पाएंगे, है ना? आपने तो रेवेन्यू में ले लिया। दूसरा, कुछ पैसा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी कई विभागों में अलग अलग DDOs का पैसा भी NSDL में नहीं गया था, वो पैसा भी आपने रेवेन्यू में लेने की बात की है, तो उसमें से जो कर्मचारी की कटौती है उसको, जो भी आपका GPF की ब्याज दर के हिसाब से आप दे रहे हैं, उसको भी आप GPF में लें, ना कि रेवेन्यू में लें। ये बात और ये डायलॉग हम सरकार को देने जा रहे हैं। अभी CM साहब से हमने 11 से 15 सितंबर के बीच में मेरे खुद के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा उनका हम सम्मान समारोह करने जा रहे हैं, OPS और तमाम 5-6 मुद्दों पे OPS समेत उनका अभिनंदन कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके तब तक हम वहाँ बिजी हैं, उसके बाद हमारा लेटर जो है तुरंत हम उनको देंगे, और फेडरेशन भी उनका सम्मान समारोह करेगा, और हमारा एक महासंघ भी है नवगठित, वो भी उनका सम्मान समारोह करेगा। 2-4 महीने के अंतर से हम लोग करेंगे इस चीज़ को, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तब हम उनको कहेंगे। और रही बात इस पैसे की, तो इसके बारे में भी हम अनुनय विनय निवेदन करेंगे कि साहब इसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, 4100 करोड़ बैठते हैं आज, और एम्प्लॉई को तो कम ही मिलेगा क्योंकि उसमें रिटर्न भी शामिल है, और रिटर्न में आप GPF की रेट लगाओगे 7.5-8.5 समय समय पर जो दे रहे हैं, तो उसको आप चाहो तो निकालने दीजिए उससे कोई, क्योंकि विपक्ष या कुछ लोगों में जो है, क्योंकि ये पैसा तो लॉक इन हो जाएगा ना, आज निकालने का मौका है, जब आपके रेवेन्यू में आ जाएगा तो उसमें से आदमी निकाल नहीं पाएगा पैसा। और ये बात इस बात का प्रमुख है, ये पैसा जो है ये बहुत बड़ा कारक रहा है, बहुत बड़ा कारण रहा है राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली में, ये आपको समझना चाहिए। और ये पैसा मिलेगा, अभी तो NPS फायदे का सौदा थी राज्य सरकारों के लिए पूरे देश में, है ना, लेकिन OPS राज्य के लिए आर्थिक रूप से हितकारी है। ये कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन राजस्थान ने बताई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। अब मैं आपके सवालों पे आ जाता हूँ। अब पैसा मत निकालिए सर, पैसा निकालने की जरूरत है वो करवाएं, जिनको जरूरत है इस बात को हम कहेंगे कि साहब इसमें आप जिनको जरूरत है उनको निकालने दीजिए, मामूली पैसा है, या और कोई बीच का रास्ता होगा तो देखेंगे। हाँ, ये नेगेटिव मैसेज वाला नहीं है, ये नेगेटिव मैसेज हरिराम जी ने लिखा है, सर जो नेगेटिव मैसेज कर रहे हैं आप भाव मत दो, नहीं उनको भाव देने से क्या है, कुछ अच्छी जानकारी भी हमने बता दी लोगों को। और ये सर GPF में बढ़ोतरी के आदेश करवाने की करो, तो GPF को मेरे हिसाब से अपने पास जो GPF रूल है, मेरी जो जान अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बताया था कि कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिया था, लेकिन उसके आदेश जारी नहीं हुए, जैसा अध्यक्ष साहब ने मेरे को बताया था। पर मेरे हिसाब से जो है कि सरकार ने 2021 में GPF 2004 और GPF SAB इसको सम्मिलित कर लिया GPF रूल्स में। अगर सम्मिलित नहीं करते तो भारत सरकार इनकम टैक्स पे जो ये पैसा है 1.5 लाख की जो छूट देती है रिटर्न में, वो उसमें शामिल नहीं होता, उसको मान लिया है, शब्द अलग अलग हैं, पहचान के लिए रखे होंगे शायद उन्होंने, और एम्प्लॉय ID को GPF ID माना है। तो ये इन फ्यूचर ये हट जाएगा, हो सकता है ये हट जाए, लेकिन मेरे हिसाब से हटाएंगे नहीं, वो पहचान के लिए रखेंगे, क्योंकि आपका क्लासिफिकेशन कैसे होगा कि वो पैसा पीछे से आना है उस पर कैलकुलेशन, तो पहचान के लिए है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और मेरे हिसाब से मेरी जो जानकारी है अभी, उसमें अपन अधिक कटौती करा सकते हैं GPF में। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो मुकेश मीणा जी आप मेरे को, मैं अपने नंबर यहाँ आपको रिप्लाई में लिख रहा हूँ, आप मेरे से और संवाद कर लेना।
बातचीत कर लेना, मैं यहाँ नंबर टाइप कर देता हूँ अपने। मेरे नंबर आ गए हैं इसमें कमेंट बॉक्स में, और जनरली भी मैं लिख देता हूँ। अगर ऐसा है तो हम जो है सरकार को निवेदन करेंगे कि जीपीएफ में भी बढ़ोतरी करें। वो अपना एक मांग पत्र बड़ा वाला बना हुआ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी आपके सवाल मैं देख रहा हूँ, अब ये गायब हो गए कमेंट करने के बाद। हाँ आ गए, आज जो लेटर आया है पूरी बातचीत उसी के बारे में हो रही है। पहला पैसे पहले निकाल लिए हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो वापस नहीं ले रहे, कल की तारीख से वो लागू कर रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद सुनने के लिए और शेयर करने के लिए। और सर कह रहे हैं बात दिल में घर कर गई। हाँ ये बात है कि सरकार मदद चाहती है हमसे, हालांकि उनकी भाषा थोड़ी कार्रवाई वाली रही है, लेकिन सरकार मदद चाहती है। देखो हमने आपके लिए इतना बड़ा कर दिया, आप पैसा मत निकालो, क्योंकि वो 4100 करोड़ और फ्यूचर में लगभग 5000 करोड़ रुपये बैठते हैं। तो 5000 करोड़ रुपये उनके लिए, 5000 करोड़ रुपये बड़ा फिगर है। तो कुछ योजनाएं वो अमल में, जिन्होंने पैसा निकाल लिया उनको कुछ नहीं होगा, मस्त रहिए। पैसा वापस कोई नहीं कर रहा, ना सरकार लेगी उसको, ना उनके पास सिस्टम है। जिन्होंने निकाल लिया उसको नहीं लेगी, कल की तारीख से ये मना कर रहे हैं निकालने के लिए ना। और भी आपका कोई सवाल जवाब हो तो उस पर अपन आ सकते हैं। बाकी अपनी मोटी मोटी बातें अपने कह ली, सरकार हमसे मदद मांग रही है और हमको सरकार की मदद करनी चाहिए। और आप लोगों से निवेदन है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए दबा के, ताकि लोगों में जो है भ्रांति जो है थोड़ी सी दूर हो। बाकी हमें जाना था, लेकिन सीएम साहब के प्रोग्राम के अपॉइंटमेंट के चक्कर में हम इतने व्यस्त हो गए कि वो लेटर हमारा तैयार नहीं हुआ। और विदाउट फैक्ट हम जब जाते हैं तो फैक्ट और पूरा का पूरा कागज़ हम लेके जाते हैं, तो हमें इतनी तैयारी के साथ जाते हैं कि हम सामने वाले अधिकारी आईएएस से बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कर रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी साहब से बात कर रहे हैं, तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े। भले ही हम दो दिन देर जाएं तो पूरा डॉक्यूमेंट के साथ जाते हैं, लगभग हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, लेकिन दूसरे काम में उलझ गए। तो हम निवेदन करेंगे साहब इस पैसे को अगर निकालने दें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनका पक्ष होगा वो कहेंगे तो मान लेंगे। अभी जिन्होंने निकाल लिया, वैसे सरकार मदद चाह रही है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बाकी हम ये भी कहने जा रहे हैं कि भाई रेवेन्यू मद में आप ले रहे हो उसको 50% तो जीपीएफ में डालो। और भी हमारी डिमांड्स हैं, मैं लगे हाथ आपको बता ही देता हूँ मेरे पास कुछ। हाँ एक डिमांड हमारी है, ये रहेगी कि क्वालिफाइंग सर्विस जो है 50% पेंशन लेने के लिए क्वालिफाइंग सर्विस जो राजस्थान में है ना, वो है 30 साल कागज़ नहीं मिल रहा है इसमें। 50% पेंशन लेने के लिए पहले 33 साल थी, अभी 28 साल है। 28 साल की नौकरी करेगा उसको अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलेगा, और वो 27 साल करेगा तो आनुपातिक रूप से उसकी उतनी ही पेंशन घट जाएगी, 26 करेगा तो घट जाएगी। और 10 साल से लेकर 28 साल तक के बीच उसी फॉर्मूले पे अनुमानित पेंशन उसकी कैलकुलेट होती है। हमारी डिमांड है कि केंद्र में ये जो है 20 साल है, 28 की जगह केंद्र सरकार के नए सात वितरण के आदेशों में क्वालिफाइंग सर्विस 50% पेंशन जो 20 साल है तो राजस्थान में 20 साल की जाए, हिमाचल में भी यही है। हम ये भी कहना चाहते हैं महासंघ के आधार पर, केंद्र सरकार ने तो कह दिया है वेतन आयोग गठित नहीं करेंगे, केरल सरकार हर 5 साल में वेतन आयोग गठित करती है, तो आपसे निवेदन है कि आप भी 5 साल में वेतन आयोग गठित करके जो है, एक कोई गिफ्ट तो देते नहीं है, महंगाई दर और तमाम चीज़ों को देख के वेतन आयोग गठित होता है, उसी के हिसाब से सैलरी रेज होती है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, सरकार चाहे तो वो करे। दूसरा 10 साल से कम जिसकी सर्विस है उसको पेंशन नहीं देते हैं, उसको सर्विस ग्रेच्युटी के नाम से कुछ कैलकुलेशन करके एकमुश्त धनराशि देते हैं। हमारा ये डिमांड रहेगी आप लोगों का अगर सहयोग रहा कि भाई आप किसी ने, अब आपने ज्वाइनिंग में तो एक बार भर्ती निकली थी बोले 60 साल या 59 साल तक की महिलाएं, कोई एज लिमिट नहीं रखी टीचर्स में, 59 साल 60 साल तक की महिलाओं को ले लिया था उन्होंने, कोई एज लिमिट नहीं रखी। तो जब भर्ती में आपने एज लिमिट बढ़ा दी है तो रिटायरमेंट में तो उसकी सर्विस 10 साल नहीं हो रही है, तो उसकी गलती कहाँ है। तो हमारी ये डिमांड रहेगी कि सरकार जो है जिसने 2 दिन की भी नौकरी की है उसको न्यूनतम पेंशन, जो राजस्थान में न्यूनतम वेतन 17,700 का आधा 8,850 रुपया है, वो उसको दे। और भार इसलिए नहीं पड़ेगा सरकार पे, हम निवेदन करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है, मुश्किल से 1,000-2,000 लोग होते हैं सर्वाइव कर रहे होते हैं सिस्टम में होते हैं,
और एक साल में कोई 10-5 लोग ही रिटायर होते हैं। हमारी ये भी डिमांड रहेगी, उसके अलावा बहुत सारी हमारी डिमांड रहेंगी। सबसे ज़्यादा फायदा प्रबोधक साथियों को और कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज वाले साथियों को मिलेगा क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल करवाने पर। और क्योंकि CM साहब ने इसको फ्लैगशिप योजना की तरह लिया है तो जो है वो कर देंगे, क्योंकि 20 साल करने पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी हमारी बातचीत होगी, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। मैं सर ने लिखा है 25% राशि की निकासी कर ली है, उस पर अपनी राय स्पष्ट करें। मैं दोबारा कह देता हूँ, जिन्होंने 25% राशि की निकासी कर ली है, पर्टिकुलर दिनांक क्या आ रही है, पर्टिकुलर दिनांक है 28 अगस्त 2022 से पहले, 28 अगस्त 2022 से पहले जो राशि निकाल ली है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना ही उनका पैसा जमा होगा, क्योंकि मैं खुद उसमें मौजूद हूँ। और मैं समझता हूँ 28 अगस्त 29 अगस्त या 30 अगस्त तक भी जिनका पैसा आ जाएगा तो उनको भी हम छूट के लिए कहेंगे कि साहब, क्योंकि उन्होंने पहले अप्लाई कर दिया और आपका आदेश आया 28 को, उन्होंने अप्लाई कर दिया 26 को और पैसा आया 30 को, तो वो बेचारा, उसको टेक्निकल रूप से आप छूट दीजिए, है ना। तो हम सरकार से बात करेंगे, सरकार संवेदनशील है। और आपने लिखा है जो कार्मिक विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप में आपको मैसेज का मेंबर रखना चाहते हैं, इसलिए मत, आप घबराओ मत, इसमें उन्होंने ये कहा है, इनका लब्बो लुभाव ये है कि आप पैसा मत निकालो। वो लिखा है, उन्होंने ये बात भी लिखी है कि जो पैसा निकाल रहे हैं तो सरकार ये मान लेगी कि भाई आप OPS लेना ही नहीं चाहते, तो हो सकता है कल को वो कोई सर्कुलर निकाल के ये कार्रवाई वैसे नहीं कर सकते RSR के हिसाब से, क्योंकि उनके गवर्न क्षेत्र में नहीं है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, मान रहे हैं। ये बड़ा झमेला है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बड़ा झमेला है, उसकी आप कैसे भी परिभाषा निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि वहाँ से शासित है। लेकिन फिर भी अगर वो मान रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि साहब जो पैसा निकालेंगे हम उनको NPS में डाल देंगे, तो हो सकता है कोई सरकार चिट्ठी निकाल दे और उसमें लिख दे कि जिन्होंने पैसा निकाला है, या ऑप्शन दे दे, जो साथी NPS में रहना चाहते हैं उनकी कटौती जारी रखेंगे, NPS में रख लेंगे, जो ओल्ड पेंशन चाहते हैं उनको ओल्ड पेंशन में ले लेंगे। सरकार कर सकती है, ये उसके लिए स्वतंत्र है, आपसे ऑप्शन फॉर्म मांग ले, OPS चाहते हो NPS चाहते हो, हम भरेंगे OPS, कोई भरेगा कि NPS के, हमें तो NPS में फ़ायदा, NPS में रहने दो, ये भी सरकार कर सकती है। तो सरकार ने थोड़ी धमकी दी है समझाने के लिए, और नाराज़गी भी है क्योंकि पैसे का मामला है। सरकार ये भी कह रही है आप शाणे क्यों बन रहे हो, देसी भाषा में कहें तो सरकार ये कह रही है आप होशियार क्यों बन रहे हो, पेंशन भी दे दी, अब तुम उधर से पैसा भी निकाल लोगे, हमारे को पैसा आए, हमारे मदद करे, पिछले वालों पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस लेटर में साफ लिखा हुआ है। और यदि कोई दूसरा लेटर आता है और सरकार ये कहती है कि पैसा वापस जमा कराओ, तो उसके लिए संगठन लड़ने के लिए तैयार है। जहाँ तक जायज बात है सरकार की मानेंगे अपन, सरकार को जो मदद होगी हम दिल से उनको मदद करेंगे, हम नतमस्तक है। लेकिन ज़्यादा अगर कोई लीगली हमारे ऊपर वो करेंगे तो हम उसमें लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपना जो राइट है उसमें पीछे नहीं हटेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ प्रशंसा करेंगे, जहाँ साथी कह रहे हैं सरकार खर्च नहीं करना चाहती, सरकार ये कह रही है कि भाई आपका जो पैसा है जो NSDL में चला गया उसको हम रिटायरमेंट के समय देंगे, खर्च नहीं कर रहे, उसको हम रिटायरमेंट के समय देंगे और GPF की ब्याज रेट से कैलकुलेशन करके देंगे। अब इसमें भी सवाल खड़ा होता है कि जिस दिन उनके पास पैसा आ जाएगा उसके बाद GPF की ब्याज रेट से देंगे, या पिछला जो पैसा आया है, पीछे का जो पैसा आया है 40,000 करोड़ रुपये आएगा, मैं समझता हूँ जब तक आएगा 50,000 करोड़ रुपए भी हो सकता है, या घट के 38,000 करोड़ भी, या 20,000 करोड़ हो सकता है। तो वो जब हमने वो NH उसमें जमा कराया है मार्केट में, उसका मार्केट रिटर्न तो आप रख रहे हो प्लस माइनस, और इनके हिसाब से 10% है, लगभग 9.5-10% है किसी टोटल एवरेज उसका, तो सरकार ये कह रही है उसको तो हम रखेंगे। लेकिन हमें ये भी सवाल करना है सरकार से कि इन दिनों, उन दिनों की जिस दिन हमारी कटौती हुई, उन दिनों का जो पैसा है उसको क्या आप GPF की उन दिनों की रेट के हिसाब से दोगे, ये एक सवाल हमारा रहेगा। सरकार को ये दिक्कत है, अभी कह रहे हैं कि अवधेश जी मथुरिया साहब, सरकार को दिक्कत है, क्या दिक्कत है पैसा निकाल, सरकार को ये दिक्कत है कि सरकार ने जो ये लागू की है ना पेंशन, उसमें ये बात भी बहुत बड़ा रोल रहा कि वो पैसा उनको मिलेगा रेवेन्यू, सरकार के पास पैसा नहीं है योजनाओं के लिए, पैसा कहाँ से आएगा, तो उनकी उस पर नज़र है। 40,000 करोड़ रुपए जो है 40,000 से ऊपर का है, एक्चुअल तो फिगर 39,000 करोड़ रुपए है,
लेकिन उसका 31 मार्च तक का जो रिटर्न है उसके हिसाब से 40,812.15 हज़ार करोड़ रुपए है, जो आज की डेट में कम ज़्यादा होगा, कुछ बढ़ गया होगा या कुछ घट गया होगा, फिक्स नहीं रहेगा। एन एस डी एल में जब तक रहेगा, शेयर मार्केट में रहेगा और वो बढ़ता घटता रहेगा। सरकार को ये लगता है कि भाई हमने रेवेन्यू में पैसा मिलेगा, सरकार का भी काम चल जाएगा, देना तो सरकार को रिटायरमेंट के समय है, आज तो नहीं देना है पैसा सरकार को। हम भी यही कह रहे हैं कि साहब ये हो जाएगा, ये करा लेंगे, आपके फेडरेशन में बहुत ताकत है संवाद करने की और लॉजिक की। हम सरकार से ये तो आपको गारंटी दे रहे हैं कि हर हालत में ये हम करा के मानेंगे साहब, इस पैसे को, हमारे कर्मचारी के हिस्से के पैसे को और उसका जो रिटर्न या ब्याज या जीपीएफ से आप कैलकुलेट करके आप जीपीएफ खाते में डाल दो, चाहे हमसे वचनबद्धता ले लो, हम अंडरटेकिंग दे देते हैं 100 रुपये के स्टाम्प पे कि आप उसको लॉक इन कर लो, लॉक कर लो, रिटायरमेंट के समय देना, लेकिन रेवेन्यू में ना लेके हमारे हिस्से को आप जीपीएफ में, ताकि हमें दिखता रहे। तो उस समय कौन सी सरकार होगी, क्या होगा, 22 साल बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, उस समय क्या सरकार होगी, क्या मामला होगा, क्या हिसाब की गड़बड़ होगी, कहाँ से पुराने रिकॉर्ड लेके आएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं हमें दिखता रहे, इसलिए जीपीएफ में ले लो, भले ही उसको लॉक कर दो, रिटायरमेंट से पहले आप इस राशि को निकाल नहीं सकते, और उसको जीपीएफ 2004 रखो या जीपीएफ रखो तो कोई इश्यू नहीं है, नियम एक है। और एक साथ इन अधिक कटौती की बात की थी तो वो मेरे हिसाब से हो सकती है, आप अप्लाई कीजिए अपने ऑफिस में कि साहब मेरे को ज़्यादा पैसा कटवाना है, आप अपने बाबूजी को बोलिए, डीडीओ को बोलिए कि साहब मेरी 2200 की स्लैब है, मैं 5000 कटाना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से कोई रोकने वाला नहीं है आपको। फिर भी ज़रूरत पड़ेगी, मैंने साथी को नंबर दिए हैं, मैं और पता कर लूँगा कि अधिक कटौती करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, उस पर रोक है। तो हम सरकार तो खुश है, सरकार को तो बोलना ही तो है कि साहब लोग ज़्यादा पैसा कटाना चाह रहे हैं जीपीएफ में सेविंग के लिए, आप अलाउ कर दो, अगर नहीं किया है, मेरे हिसाब से अलाउ है वो। और आपके सवाल आ रहे हैं, दिक्कत ये है कि ये जो पुरानी पेंशन बहाल हुई है, इसमें माननीय सीएम साहब कह रहे हैं, उन्होंने एक जगह तो कहा है, कई जगह, कि किसी ने नहीं मेरे से मांग की, बिना मांगे मैंने पेंशन दी। लेकिन जिस विधानसभा बजट के 22 तारीख को वो भाषण दे रहे हैं, 22 फरवरी को, उस दिन उनके बजट के अंदर छपा हुआ है कि कर्मचारी मुझसे मिले थे पुरानी पेंशन बहाल करने के, और फेडरेशन ने तो हजारों ज्ञापन दिए हैं 2017 से, फेडरेशन ने कलेक्टर साहब के माध्यम से डायरेक्ट भी सीएम साहब को मिले हैं, हजारों ज्ञापन दिए। ठीक है, बड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं इस बात को कि किसी ने नहीं मांगा, तो उनकी बात रख लेते हैं, जब उन्होंने हमारा मान रख लिया, हमको पेंशन दे दी, तो हमारे बड़े हैं, सरकार में बड़े हैं, हमारे परिवार में भी, अपन कर्मचारी जगत में भी बड़े हैं, मुखिया हैं, पिता में हैं, पिता हैं, दादाजी हैं, वो कोई बात करें तो उनकी बात को क्यों अपन छोटी करें। ठीक है साहब, हमने मांग नहीं की, आपने दे दी, आप कुछ भी समझो, हमको जो मिलना है वो मिल गया। एक चीज़ और समझें, बड़ा आपको बुरा भी लगेगा किसी साथी को, हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी ए का भक्त हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी बी का भक्त हो, उनको बुरा लगेगा, पर मैं एक बात निश्चित तौर से कह रहा हूँ, यदि ये सरकार चली गई और वो सरकार आ गई तो ये आपकी पेंशन चली जाएगी। लोगों का सवाल होता है मित्रों को, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा। अभी जो रुझान है दूसरी सरकार का, जो केंद्र में बैठी है, उसका जो कैरेक्टर है, इकोनॉमिक कैरेक्टर है, या एनपीएस के मामले में, सिवाय वरुण गांधी के, वरुण गांधी जी के अलावा किसी बंदे का पेंशन के पक्ष में कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो वरुण गांधी जी बेचारे साइडलाइन है, उन्होंने अग्निपथ से लेकर हर योजना का, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हर योजना का विरोध किया, उनके अंदर की पॉलिटिक्स है। तो पूरी की पूरी जो केंद्र सरकार है वो इस पक्ष में नहीं है कि आपको ओपीएस मिले, वरना होती तो उनके बयान आ गए होते कि हाँ हम आपके पक्ष में, वो अलग ही सोच रहे हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वो नौकरियां भी खत्म करेंगे, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो बहुत बुरी स्थिति सोच रहे हैं वो लोग। और वो आगे तो निश्चित रूप से, मैं आपके बीच में हूँ, अभी तो मर नहीं रहा, मेरे को जीना है कई साल तक, मैं आपके बीच में जिंदा हूँ, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2-3 महीने के अंदर ही वो एनपीएस लागू कर देंगे राजस्थान में। उदाहरण है त्रिपुरा, सबसे अंतिम स्टेट त्रिपुरा था, वहाँ 3-4 महीने के अंदर सरकार आई, जो भाजपा सरकार आई त्रिपुरा के अंदर, 3 या 4 महीने के अंदर उन्होंने, जुलाई 18 से जनवरी फरवरी मार्च के आसपास सरकार आई थी 18 में, और जुलाई 18 से उन्होंने एनपीएस थोप दी त्रिपुरा में, 18 से पहले एनपीएस नहीं थी, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, वामपंथी सरकार थी वहां पे, उन्होंने 18 से कर दी, 3 महीने में कर दी। अब सोच लो उनका क्या कैरेक्टर है, वो करेंगे। अब दूसरी बात, ये भी सवाल आता है, क्या कर्मचारी इस सरकार को रिपीट करा सकता है क्या, बड़ा मासूम सा सवाल है। अपन कहते हैं अरे यार कर्मचारी के वोट के भरोसे सरकार थोड़ी आएगी, जनता का वोट देखो वो तय करेगी। मैं आपको बता देता हूँ, आपने 2-4 दिन पहले भास्कर भी पढ़ा होगा, उसमें भी आया है
मात्र 1.5 लाख, 1,37,000 या 1,57,000 वोटों के अंतर से, और कम से कम 60-70 विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में ऐसे थे जहां 500 से 5,000 वोटों का डिफरेंट था इस पार्टी में और पिछली पॉलिटिकल पार्टी में जो राज कर रही थी। तो ये उदाहरण अपने आप में बड़ा, और आने वाले समय में ये राजस्थान में ही नहीं है, पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है वोट प्रतिशत का। आप इसको गौर से रख लीजिए संभाल के ये शिबू सोरेन साहब की जो झारखंड में सरकार आई थी, ये तो आपको पता ही है, मतपत्रों से आई थी, मतपत्र उन्होंने एक तरफा कर्मचारियों ने वोट दिया। और आने वाले समय में जो 500 से 5,000 का अंतर है जो राजस्थान में चुनाव होंगे, पूरे देश में भी इसी तरह का रुझान है। मैं कह रहा हूँ 200 वोट से लेके और 2,000 वोटों का आंकड़ा रहेगा सर एमएलए के जीतने में। तो कर्मचारी जब राजस्थान में 5 लाख हैं, लगभग 7.25 लाख कर्मचारी हैं, उनमें से आधों को अपन हटा दें, लगभग 7.25 में से 3 लाख मोटा मोटी के लिए 3 लाख कर्मचारी और उनका परिवार 4 वोट, 12 लाख, 4 मान लेते हैं, परिवार में 6 भी होते हैं, दादा दादी पड़ोसी भी मान लो, 4 मान लेते हैं, कम से कम आधे हमने हटा दिए, 6 लाख में से आधे कर्मचारी हटा दिए कि वो समझदार नहीं है। तो ये हम ये कह रहे हैं एक परिवार में 4 बंदे हैं और 3 लाख कर्मचारी मान रहे हैं, 4 × 12 लाख वोट, जबकि सरकार कितने वोटों से पलटी थी, 1.5 लाख वोट से, लगभग 1.5 लाख, 10,000 ऊपर 10,000 नीचे, वो भास्कर में आया हुआ है आंकड़ा। तो अपने पास 12 लाख वोट है, 12 लाख वोटों में से 6 लाख वोटों को हम हटा देते हैं कि चलो बीवी भी मेरे कहने से नहीं दे रही और बेटा भी मेरे कहने से नहीं दे रहा या पिताजी नहीं दे रहे, तो फिर वोट बचती है 3 लाख। और सरकार कितनी वोटों से पलटी थी, सरकार पलटी थी 1.5 लाख वोटों से, और इस बार मैं समझता हूँ सरकार पलटेगी या सरकार बचेगी उसका फिगर रहेगा, मतलब 1 लाख वोट, मत प्रतिशत इतना ही फ्लक्चुएट करेगा। मैं भास्कर की आपको पढ़ के बता देता हूँ, हमारे पास सब कुछ घटाने के बाद भी 3 लाख वोट हैं, और भी घटा दो, हम कह रहे हैं 10% कर्मचारी वोट दे दे अपने परिवार सहित एनपीएस वाला, हालांकि आरजीएचएस मिली, आरजीएचएस में भी लोग देना चाह रहे हैं वोट, हमारे कर्मचारी खुश होके पेंशन के अलावा दूसरे मुद्दे भी सरकार ने अच्छे किए हैं उनके लिए वोट देंगे, बाकी वोट देना आपकी पसंद के ऊपर है, लोकतंत्र है, आप किसको वोट देते हो, लेकिन ये तय है कि कर्मचारी सरकार बना सकता है, बिगाड़ सकता है, क्योंकि भास्कर कह रहा है 3 दिन पहले का, आधे प्रतिशत के अंतर से कांग्रेस सत्ता में आई, साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की तुलना में कांग्रेस को 0.5% वोट अधिक मिले थे, इसी के चलते कांग्रेस सत्ता में आई। ये हमारे नेताजी हैं जो चाहर साहब ने तो विधानसभा पर पहले ही कह दिया, अखबार ने तो अब छापा, जयसिंह चाहर साहब जो हमारे प्रतिवेदन समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने पहले ही कह दिया था ये बात। तो ना मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे लिखा है कि कांग्रेस को 1,39,35,000 वोट और भाजपा को 1,37,57,000 वोट, 1,70,000 वोटों के अंतर की वजह से कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो मैं कह रहा हूँ आप 7.25 लाख कर्मचारी हैं, 6 लाख से उड़ा कर लो 4 को तो 24 लाख वोट होती हैं, आप आधे 3 लाख कर्मचारी अगर मानते हैं संवेदनशील तो 4 से उड़ा कर लो तो 12 लाख होती हैं, अपने को ये 1,70,000 वोटों का अंतर बता रहे हैं, इस बार लगभग 1.5-1.75 लाख वोटों का अंतर रहेगा सरकार रिपीट करने में जो मेरा कैलकुलेशन है, तो इतनी वोट तो कर्मचारी अगर एकमुश्त हो जाए और अपनी पेंशन को बचाना चाहते हैं तो आपकी सरकार ये बरकरार रहेगी। बाकी पेंशन के अलावा सरकारों से कर्मचारियों के दूसरे गिले शिकवे रहते हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ अधिकारी बैठते हैं, आप सुबह जाओ मुख्यमंत्री निवास पे, आपकी जो भी समस्याएं आप वो कहो, सरकार तक प्रॉपर रूप से समस्या पहुँचेगी तो उनका भी हल सरकार करेगी। और सरकार इस बार रिपीट होना चाहती है, माननीय रिपीट होना चाहते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, और हमारे लिए अच्छा किया है तो हमसे जो मदद होगी सरकार की, तो ये जो पैसे वाला मामला है उसमें हम अपना पक्ष रख देंगे साहब, इसको निकाल लेने दो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कर्मचारी को। बाकी अगर आपको पैसा चाहिए तो एक पर्सनल सूचना दे रहा हूँ कि आप स्टेट इंश्योरेंस से हम और आप लोन ले सकते हैं और राज्य बीमा की फरवरी मार्च में अधिक कटौती करवा सकते हैं, यानी 2 स्टेप ज़्यादा कटौती करवा सकते हैं। राज्य बीमा के सामने, उसके रिटर्न के सामने LIC कहीं भी नहीं टिकती है, ज़्यादातर लोग LIC एजेंटों के थ्रू LIC करा लेते हैं दुनिया भर की, LIC में कुछ नहीं मिल रहा है। राज्य बीमा में आप 2 स्टेप ज़्यादा तक, मैक्सिमम 7,000 रुपये महीने तक कटौती करा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि अपने भले के लिए
राज्य बीमा में अधिक कटौती कराएं वो पैसा सरकार के भी काम आता है, सरकार को भी मदद होती है। जीपीएफ में एक्स्ट्रा कटौती कराते हैं तो सरकार को मदद होती है और सरकार को पैसा भी मिलता है और हमारे को तो उसमें फ़ायदा मिलता ही है। अब रवि कुमार राव कह रहे हैं सर हम नहीं निकाल पाए, कल अप्लाई करें तो क्या अर्ज है? अब वो चिट्ठी आ गई है उनके परिपत्र, वो कह रहे हैं कि हम कार्यवाही करेंगे अगर आपने पैसा निकाला तो। ये फिर आपको सोचना है कि वो क्या कार्यवाही करेंगे, हालांकि कर नहीं पाएंगे, चुनावी वर्ष है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं, हमारे को 15 दिन का समय दीजिए, 16-17, 1 से 15 मार्च के बीच में तो सीएम साहब को बुलाया हमने हमारे विभागीय कार्यक्रम में अभिनंदन समारोह के लिए, उसके जस्ट बाद या उससे पहले मेरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा तो मैं जाके दे आऊँगा चिट्ठी के साथ। ये लोग चाहते हैं निकालना, उनके पास कोई माध्यम नहीं है, उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है, आवश्यक है वो पैसा कहाँ से काम करे, उसको तो पैसा नहीं है उसके पास, उसको ज़रूरत है, वो कहाँ से निकाले, ये निकाल लेने दीजिए। पर एक चीज़ और है कि ये जो पैसा निकलता है वो निकल ही जाता है, वो उधार नहीं होता है। NSDL, CRA, NPS का जो पैसा निकलता है वो उधार नहीं होता है कि वापस जमा कराना हो। स्टेट इंश्योरेंस का तो उधार निकलता है, फिर आपको ब्याज दर के हिसाब से चुकाना पड़ता है। सरकार से कह देंगे कि साहब जो पैसा निकाल रहे हैं उनको अभी ज़रूरत है, उनको निकाल लेने दीजिए और उनको ऑप्शन दे दो कि भैया आप वापस जमा करा देना, जो भी GPF की रेट है तो निकाल लेना उस पैसे को, उधर से निकाल रहे हैं इधर से आपको जमा करा देंगे। एक बार कर्मचारी किसके सामने हाथ फैलाए, उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी ज़रूरतें हैं, उसके पास कुछ नहीं है निकालने के लिए, एक सहारा है तो आप निकाल लें दो और ये शर्त डाल दो कि निकाल दो GPF, निकाल लो और जिन्होंने निकाल लिया है GPF की ब्याज दर से जो भी उस समय चलेंगी वापस जमा करा दो, तो कर्मचारी करा देगा जमा, एक बार उसका काम चल जाए। ये बीच का रास्ता भी हम अपना सकते हैं। धर्मवीर जी कह रहे हैं सर 2004 से आज तक NPS राशि, हाँ एक चीज़ और मैं जोड़ रहा हूँ आपकी बात पे आ रहा हूँ, सरकार ने एक थोड़ी सी चालाकी की है कि वो 1/4/22 से पेंशन दे रहे हैं, जो रिटायर हो गए उन साथियों को 1/4/22 से पेंशन दे रहे हैं, ये गलत है मानवीय दृष्टिकोण से। और कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं, 2000 रिटायर हुए हैं और 2000 लोग डेथ हुए हैं। हम ये सरकार से ये भी कहने जा रहे हैं कि आप 1/4 से ही लागू करो, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जब आपने हमारे कहावत है कि सोने की कर दी तो पीतल की क्यों कर रहे हो, जब आपने सारा काम सोने का किया है थोड़ी सी पीतल क्यों लगा रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा कर्मचारी GPF में जमा करा देगा, आप एक बार अपील तो करो। CM साहब ही अपील करते हैं या कोई अधिकारी अपील करते हैं कि भाई GPF में अधिक से अधिक कटौती कराओ, तो मैं खुद करा दूंगा, हमारे साथ ही करा देंगे, कर्मचारी इतना हल्का भी नहीं है, सरकार मदद की अपील करेगी तो हम GPF में अधिक कटौती करा देंगे, आप कहोगे तो ज़्यादा करा देंगे। कर्मचारी बहुत खुश है पुरानी पेंशन से, आप एक बार अपील करोगे साहब पैसे की ज़रूरत है तो हम हमारे खातों में GPF में ज़्यादा पैसा जमा करा देंगे। आप स्टेट इंश्योरेंस की लिमिट रखे हुए हैं 2 स्टेप ज़्यादा और मैक्सिमम 7,000, हम तो ये कह रहे हैं इसको बढ़ाओ, 2 स्टेप नहीं 3 स्टेप 5 स्टेप बढ़ाओ, उससे ज़्यादा अगर कोई राज्य बीमा में जमा करा रहा है तो उसका रिस्क कवर आप दीजिए, और हम ज़्यादा जमा कराने को तैयार हैं, क्यों हम ज़्यादा जमा करा रहे हैं, कोई बुरी स्थिति होगी तो हमको ज़्यादा रिस्क कवर मिलेगा। तो ये भी मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, ये आइडिया आपसे संवाद के समय ही मुझे आया है कि GPF और SI में ज़्यादा जमा करवाने की छूट दी जाए। एक्चुअली होता क्या है, सरकार तक है ना सही आइडिया पहुँचते नहीं है, लोग बाहर हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, सरकार से संवाद हो जब सही विचार नहीं पहुंचते तो भी दिक्कत आती है। सरकार के साथ हैं हम लोग, हर कर्मचारी साथ है, बाकी कुछ लोग नेतागिरी चमकाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, भास्कर छाप रहा है अरे पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई कैसे होगी। अभी एक चीज़ और है कि एक भी बंदे को OPS मिली नहीं है, ये भी सवाल है, ये भी हम कहने जा रहे हैं कि साहब 1/4, 2/4, 5 को तो दो ताकि लोग आपको बदनाम नहीं करें। हिमाचल वाले कह रहे हैं मुख्यमंत्री के, राजस्थान में एक बंदा ढूंढ के बता दो जिसको पेंशन मिल गई हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं नहीं मिली है, हालांकि ये परिपत्र आया है। हाँ संदीप जी, हाँ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो लाइव चल रहा हूँ फेसबुक पे, थोड़ी देर में करूँ तो। ये भी गलत है कि भाई 1/4/2202, ये कुछ मुद्दों को लेकर हम सरकार के पास जा रहे हैं। और एक परिपत्र और भी आया है, वो एक परिपत्र है वाई डिले करके मैंने लिखा हुआ है, वो उसके अंदर उन्होंने सरकार ने जो है अपनी मजबूरी बताई है कि साहब हम अभी सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे कैसे
क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें करनी है उसमें। वीडियो को लंबा नहीं कर रहे अपन, मैं उस परिपत्र को भी बता दूं, जो सवाल है कि एक भी पेंशनधारी क्यों नहीं है। तो सरकार ने एक लेटर निकाला है, राज्य बीमा विभाग ने, उन्होंने मृत्यु दावों के निस्तारण में 4 पॉइंट दिए हैं कि साहब ऐसे ऐसे करके हम सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, किसी का कट गया, किसी का नहीं कटा, किसी का ज़्यादा कट गया, कोई एनपीएस की ले ली उसको वापस कैसे लें, और जो रिटायर हो रहे हैं उनके बारे में लिखा है, जो एनपीएस कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं होने जा रहे हैं उन्हें 1/1/4/1/4/22 से राजस्थान सिविल सेवा 96 नियम के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा पेंशन स्वीकृत की जाएगी। हम चाह रहे हैं कि 1/1/1/4 से मिलेगी, हम करेंगे बात सरकार से, किंतु इससे पूर्व ऐसे कर्मचारियों का एनपीएस ट्रस्ट में जमा समेकित पेंशन धनराशि को राज्य सरकार के बजट मद में स्थानांतरित कराने हेतु राज्य सरकार के स्तर से PFRDA से पत्राचार चल रहा है। सरकार ये कह रही है कि जो पैसा लगभग 41,000 करोड़ रुपए आ जाएगा, ये इशारों में कह रहे हैं कि तब हम, समय लगेगा उसको आने में, समय लगना संभावित है, तब हम देंगे। हम सरकार से ये कहने जा रहे हैं कि साहब ये अच्छी बात नहीं है, आपका मैसेज खराब जा रहा है, आप तो दे दो वो 40,000 करोड़ रुपए, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, वो आना है। हमें ये भी सूचना मिली है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बन रहे हैं, हो सकता है कल को गहलोत जी देश के प्रधानमंत्री मिल बन जाएं, बहुत बुरी स्थिति होगी तो ये पैसा तब मिल जाएगा, मेरे को नहीं मिलेगा तो मेरे वारिस को मिलेगा, मेरे वारिस को नहीं मिला तो मेरे वारिस के वारिस को मिलेगा, पैसा तो कहीं नहीं जाएगा, पैसा तो अपना है। तो इन्होंने दो तीन जो परिपत्र है, दो तीन इन्होंने जो है 7/7/22 का परिपत्र है राज्य बीमा विभाग का, उसके हिसाब से कुछ मजबूरियां बताई हैं। हम उनको कहेंगे कि साहब मजबूरियों को लोग नहीं समझते, आप इनको पैसा दो, जो रिटायर हो गए इनकी पेंशन चालू करो, क्योंकि मैसेज गलत जा रहा है दूसरे राज्यों में। दूसरे राज्यों में भी आपका 2-4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं अभी दिसंबर तक, तो जो है उनको मैसेज गलत जाएगा, आपका वोट बैंक खराब होगा, इसलिए 2-4 काम आप कर दीजिए। और मैं समझता हूँ कि हमारा संवाद और हमारी पहुँच माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक बहुत अच्छी है, हम जब बताएंगे उनको कि कर्मचारी क्या सोचता है इस मामले में, कि निर्णय तो आपको करना है पर कर्मचारी ये सोच रहा है, हम आपकी बातों को, हमारी डिमांड्स को लेके जल्दी ही सरकार से मिलके जो बेटर ऑप्शन होगा, जो बेहतर होगा वो करवाएंगे। इसी के लिए अभी NPSCFR आपके बीच में मौजूद है। और भी कोई सवाल आ रहा है साथी तो मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ। खाली 30 शेयर किए हैं आपने, मैं पता हूँ शेयर करना क्यों ज़रूरी होता है, लोग कंफ्यूज नहीं हों। अगर आपको लग रहा है मैंने जानकारी सही दी है, अच्छे से दी है, तो ये सिर्फ आप तक नहीं पहुंचे, मैंने संदेश पेंशन बचाने वाला भी दिया है कि कैसे बचेगी, कैसे खतरा है हमारी पेंशन को, वो संदेश भी उन तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए आपको शेयर करना चाहिए। शेयर करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कल कर देना, शेयर करिए। ये हम जो बयान दे रहे हैं फेडरेशन के बिहाफ पे, ये बहुत ही कीमती बातें हैं, ऑथेंटिक बयान हैं, जानकारी से भरपूर हैं, पूरा का पूरा रिसर्च करके दुनिया भर का पढ़ पढ़ा के तब हम आपके बीच में आते हैं पूरी तैयारी के साथ, ऐसे हवा में नहीं आते हैं। और क्रेडिट तो भैया NPSCFR को ही देना पड़ेगा, आपको मत दो कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट की हकदार तो NPSCFR ही है, क्योंकि फिर से कह रहा हूँ कैलकुलेशन हमने बताई थी, और अगर ये कैलकुलेशन का मामला नहीं होता तो ये परिपत्र नहीं निकलते कि आप पैसा मत निकालो। तो सरकार को पैसे की ज़रूरत है, बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पे है पुरानी पेंशन लागू होने में, सरकार को ये कैलकुलेशन समझ में आई कि उनको पैसा मिलेगा, ये बहुत बड़ा रोल है। और ये किसने समझाया, ये आपने समझाया, बाकी जिन लोगों को मतलब ही नहीं है, ना किसी आंदोलन में आए, ना कहीं कोई पता उनको, कुछ भी नहीं पता है कौन आंदोलन कर रहा है, कौन बर्बाद हो रहा है 5 साल से, तन मन धन से लोग, कौन सी टीम संघर्ष कर रही है उनको पता ही नहीं है, वो तो यही कहेंगे कि हमने मुंह खोला ऊपर से पानी टपक गया। आप बारिश में भी अगर आप मुंह खोल के और पानी पियोगे तो ज़रूरी नहीं है बूंद आपके मुंह में गिरे, वो इधर भी गिर जाती है, इधर भी गिर जाती है, ऐसा नहीं है कि मुंह खोलते ही बारिश हो जाए, और मुंह खोलते कोई बारिश नहीं हुई है। पूरी कैलकुलेशन, पूरे 127 पन्नों का प्रतिवेदन, ये फाइलें पड़ी है पीछे अलमारियों में, इतनी फाइलें हमने पढ़ी हैं, कहाँ से NPS पैदा हुई, इतिहास क्या है, पेंशन कब से जारी हुई, ओएसएस रिपोर्ट, ऐसे मोटे मोटे पन्ने पढ़े हैं अंग्रेजी में, मेरी कोई अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी हमने और हमारी टीम ने मोटे मोटे पन्ने पढ़े हैं, हमारे अध्यक्ष साहब ने, हमारे महामंत्री जी ने, हमारे विशाल जी ने, हमारे एक एक बंदे ने, फेडरेशन की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी ने दिन रात एक एक मुद्दे को पढ़ा है, समझा है, तब हमने कैलकुलेशन लेके साहब के पास गए, साहब ये कर दो आपको भी फायदा है, पुरानी पेंशन लागू करो अच्छी बात है लेकिन आपको फायदा है,
वो बात समझ में आई, उन्होंने उसको लागू किया। अब वो कह रहे हैं किसी ने नहीं मांगा, मैंने तो अपने आप ही किया। ठीक है, आप बड़े हो, आपकी बात क्यों काटें, हम क्यों आपका विरोध करें। तो आपने हमें जो चाहिए था दे दिया, क्रेडिट की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे खाते में आएगी पेंशन, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर रहा है, क्रेडिट कोई भी ले। ठीक है साथियों, बार बार लिखा जा रहा है जिन्होंने पैसे निकाल लिए उनका क्या होगा, जिन्होंने निकाल लिए उनका कुछ भी नहीं होगा और ना होने देंगे। निकाल लिए निकाल लिए, और मैं तो कह रहा हूँ आज भी पैसा निकालने की छूट सरकार को देनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सरकार का जो सोचना है, सरकार के हिसाब से उस पैसे का 10% 4100 करोड़ रुपये, तो 4000 करोड़ रुपये बड़ा फिगर है, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि पैसा निकले नहीं, सरकार को वापस मिल जाए। तो हमारी भी तकलीफ है कि हमें पैसे की ज़रूरत है भवन निर्माण के लिए, तो हम बात करेंगे साहब या तो इस पैसे को निकालने दो, नहीं निकालने दे रहे तो आप इसको पार्शियल विड्रॉल जो है हमारा, आप उसमें शर्त डाल दो कि आप निकाल लो लेकिन जमा करा देना। जब तक आएगा, अभी टाइम लगेगा, मोदी जी नहीं देने वाले। अभी मोदी जी को लोकसभा चुनाव में चैलेंज देना पड़ेगा आपको हमको कि वोट नहीं देंगे यदि हमारा पैसा नहीं दिया तो, छत्तीसगढ़ का 17,700। और लोकसभा चुनाव से पहले हमारा संगठन, हालांकि राष्ट्रीय लेवल का संगठन नहीं है, राजधानी जयपुर राजस्थान राज्य लेवल का संगठन है, हमारी सीमा वहीं तक है, फिर भी हम देश के दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को बता रहे हैं, कैलकुलेशन दे रहे हैं। केरल को 2500 करोड़ रुपये कैलकुलेशन दी है, हिमाचल को 2200 करोड़ रुपये की दी है, 60,000 या 70,000 करोड़ की हमने केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज को कैलकुलेशन दी है। तो हम तो चाह रहे हैं कि 6-7 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो जाए तो अपनी भी सिक्योर हो जाए। बोल गिरिराज महाराज की जय, जरूरत के लिए निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते भाई, निकाल लें उसके लिए हम सरकार को जाके बात करेंगे। अभी साहब निकालने दो, ऐसे नहीं तो वैसे, अभी नहीं निकाल सकते आप, मतलब निकाल लोगे तो वो कार्रवाई का थोड़ा डर रहेगा। एक चीज़ और है, आप निकाल लोगे पैसा तो आज की तारीख में उनको पता भी नहीं लगेगा कि कितना पैसा निकाला। टेक्निकली निकाल लेते हो तो उनको मालूम ही नहीं चलेगा आपने निकाल लिया है, मेरे हिसाब से। हाँ, ये बैंक अकाउंट वगैरह के थ्रू शायद जरूर पता लग सकता है। ठीक है, अपनी बात पूरी हो गई, कोई सवाल हो तो मैं एक मिनट और रुकता हूँ। बाकी आप लोगों ने शेयर तो कम किए हैं, बाकी आपकी मर्जी है, कोई खास बात नहीं है। थैंक यू, कोई सवाल नहीं आ रहा है तो मैं रखता हूँ, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। और धन्यवाद इस बात के लिए भी, फेडरेशन की टीम शाम को वायरल हुआ और तुरंत आपके बीच में राम जी लिख रहे हैं पहले के लिए बोला है सर, मतलब जिन्होंने निकाल लिया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर आगे से निकालेगा तो उसके लिए कार्रवाई की वो कह रहे हैं। पेंशन के लिए 10 साल की सेवा चाहिए, 10 से ऊपर होगी या शायद 10.25 होगी तो पेंशन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 28 साल पर वो मिलेगी 50%, तो 10 साल पे आप उतना ही अनुपात घटा लो। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 10 साल से कम भी हो तो भी मिनिमम पेंशन 8,850 मिले, और 50% पेंशन के लिए 28 साल क्वालिफाइंग है, आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ। हम ये चाहते हैं 20 साल हो केंद्र की तरह, हिमाचल की तरह। हाँ, अमित जी कह रहे हैं हमने तो निकाल लिया, निकाल लिया तो मौज करो, कुछ नहीं होना, जिसने निकाल लिया उसका कुछ नहीं होना, ना होगा ना होने देंगे, आगे से नहीं निकालें। सरकार की ये भाषा थोड़ी तलगी भरी है, पर सरकार की अपील ही है ये, तो भाई आगे से मत निकालो, सरकार को मदद देने। और वो पैसा कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, 10 रुपये में से 1 रुपया मिल रहा है आपको, निकालो तो, नहीं निकालो तो, पैसा तो कोई बहुत ज़्यादा मिलने का। आपके 1 लाख हैं तो 10,000 मिल रहे हैं, आपके 10 लाख हैं तो आपको 1 लाख मिल रहा है, वो 1 लाख का तो कोई ऐसी ज़रूरत पूरी भी नहीं होती आज के ज़माने में। फिर भी हम सरकार से संवाद करेंगे, अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को आप दोबारा सुन लीजिए। मैंने आपके आशीर्वाद से, आपके आदेश से भरसक प्रयास किया है सरल शब्दों में मुद्दे को समझाने के लिए। 1 घंटे 3 मिनट से ऊपर हो गया है, 4 मिनट होने जा रहे हैं, आपने थैंक यू बोल दिया, मैं रख रहा हूँ, धन्यवाद।